यूपी में प्रतिभाशाली छात्रों के सपनों को साकार करने में योगी सरकार की अभ्युदय योजना वरदान साबित हुई है। अभ्युदय कोचिंग के छात्र ने यूपीएससी की परीक्षा में परचम लहराया है। यूपीएससी के टॉपर आदित्य श्रीवास्तव भी राजधानी लखनऊ के ही हैं, लेकिन तमाम ऐसे भी छात्र हैं जिनकी सफलता का राज यूपी सरकार की बहुउद्देशीय अभ्युदय योजना है, जहां से फ्री कोचिंग लेकर 20 छात्रों ने देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को पास कर लिया है। प्रदेश के हर जिले में समाज कल्याण विभाग अभ्युदय कोचिंग का संचालन करता है। लखनऊ के भागीदारी भवन में हाईटेक सुविधाओं से लैस शिक्षण संस्थान मौजूद है, जहां पर यूपीएससी की मुफ्त शिक्षा दी जाती है। यहीं से पढ़कर 20 छात्रों ने अपने सपने को साकार किया है। देख सकते हैं ये जो पूरी यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था है, डिजिटली इन लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और ये अभ्युदय कोचिंग है, 2021 में यूपी सरकार की तरफ से इसकी शुरुआत हुई थी। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 13 छात्र यहाँ से निकल के गए थे जिन्होंने यूपीएससी जो है वहाँ पे चयन पाया था, और इस बार ये आंकड़ा बढ़ के 20 हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक जब से इस योजना की शुरुआत हुई है, तब से हर साल बड़ी संख्या में यहाँ से आईएएस पीसीएस निकल रहे हैं। गरीब छात्रों के लिए ये योजना सबसे बड़ी सौगात साबित हो रही है। 75 जिलों में संचालित है, और एक जिले में कई जिले ऐसे हैं जिनमें तहसील और ब्लॉक लेवल पे भी ये योजना संचालित की जा रही है। इसमें हम लोग गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो टीचर्स होते हैं उनको इम्पैनल्ड करते हैं, इसको पढ़ाते हैं, और इसमें हम लाइब्रेरी की भी सुविधा देते हैं, साथ ही साथ हम लोग टेस्ट सीरीज की भी सुविधा देते हैं। और इन सारी सुविधाओं का परिणाम रहा है कि इसमें जो है बहुत ही अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले हैं। अब आपको एक ऐसे होनहार से मिलवाते हैं जिन्होंने अभ्युदय कोचिंग के जरिए अपने आईएएस बनने के सपने को साकार ही नहीं किया, बल्कि यूपीएससी जैसे कठिन इम्तिहान में 163वीं रैंक हासिल की है। और मेरा नाम ऋषभ भट्ट है, और इस यूपीएससी सीएससी 23 में मेरी 363 रैंक आई है। और शुरू के दो प्रयासों में मैं असफल रहा, और सेल्फ स्टडी के थ्रू किया था मैंने, पर तीसरे प्रयास में मैंने अभ्युदय के बारे में जाना, और जो कि राज्य सरकार की एक योजना है जहां पे फ्री कोचिंग दी जाती है। अभ्युदय बिल्कुल अपने आप में एक सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा। दरअसल राज्य सेवाओं, रक्षा सेवाओं के साथ साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा देने के मकसद से अभ्युदय पहल फरवरी 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शुरू की गई थी। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा उन छात्रों को हो रहा है जिनके सपने पैसों के अभाव में दम तोड़ देते हैं।